अपनी जिद के आगे छोटी बच्ची को भी धमकाने से नहीं चूका ये शैतान वनराज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माही तो जैसे वनराज का साया सा बनती जा रही है। अपने पापा का दिल जीतने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, मगर इधर पापा क्या कर रहे हैं? पापा को अपनी जिंदगी पड़ी है कि मैं डिम्पी टिटू की शादी नहीं होने दूंगा। जो सच वो सरफेस लेवल पे देख के उस शादी को तुड़वाना चाहता है, अगर उस सच की गहराई में जाएगा तो उसको टीटू की प्रॉब्लम भी समझ में आएगी। मगर उसको वही सच उसकी बात को उसकी जिद को पूरा कर रहा है जो सरफेस लेवल पे है। अब इस सब चक्कर में माही ने बात सुन ली है, मगर इस पे पापा वनराज क्या कर रहे हैं वो देख के बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होती है। बस यही है कि ये इंसान यही कर सकता है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा जितना बच्चों को इन सब समस्याओं से दूर रखना चाहती है, वनराज उतना ही उनको इन्वॉल्व करता है। बच्चों के सामने लड़ना, बच्चों के सामने दूसरों को ताने देना, इन बातों से वनराज बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है कि बच्चों पे क्या असर होगा। और ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी हमेशा से ऐसा होता आया है। अंश को पहले मैनिपुलेट किया काफी सारी बातों को लेके, हमने देखा कैसे उसने टीटू के खिलाफ अंश को भड़काया। अब वो माही को भी धमका रहा है, धमकाया तो उसने पहले भी था, मगर आज थोड़ा उस धमकाने में एक डर था कि कहीं माही कुछ बोल ना दे, इसलिए इस बार की धमकी में ज्यादा वजन था कि मैं तुम्हें हॉस्टल में भिजवा दूंगा अगर ये बात किसी को बताई। बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहा है, बच्चे को बातें छुपाना सिखा रहा है। तो ये वनराज अपनी जिद के आगे और क्या क्या कुछ करेगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उसको बस एक ही चीज पानी है, वो है अनुपमा की हार की शक्ल देखना। कि अगर कुछ भी घर में सही हो रहा है अनुपमा की वजह से तो उसको मुझे रॉन्ग साबित करना है। अब यहां पे जो टीटू के पीछे वो पड़ा हुआ है तो टीटू के राज को सामने लाने के लिए वो राइट जगह देख रहा है और वो राइट जगह मिल गई है, मगर अब टीटू के राज को सामने आने के लिए कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, वो लेडी भाग गई है। तो ये सारी चीजें हो रही है जिसकी वजह से परेशान है वनराज की मेरे जिद के आगे क्यों ये अड़चने आ रही हैं। उसको ये नहीं पता कि ये कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए कान्हा जी भी तुम्हें जल्दी जल्दी ये जीत हासिल नहीं करने देंगे, बल्कि जीत तो तुम्हें हासिल होगी ही नहीं। जिस जीत में तुम बच्चों को यूज कर रहे हो उस जीत को तुम कैसे पा सकते हो? तो ये वनराज का तो खैर जो होगा सो होगा, मगर आज थोड़ा सा लगा कि इतनी प्यारी माही को वो धमका रहा है और वो सुन के चली गई कि नहीं नहीं मुझे हॉस्टल मत भेजो, मैं नहीं बताऊंगी। कितना बड़ा डर होता है बच्चों को हॉस्टल भेजने का, और जब ऐसे पिता इस बात का फायदा उठाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो बच्चे के कोमल मन के साथ ऐसा खिलवाड़ ये वनराज शैतान ही कर सकता है। क्या कहते हो, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.